नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। क्या रही है देश दुनिया की बड़ी खबरें पूरे दिन की, आज हम आपको बताएंगे ओनली न्यू नेशन शो में। 8 बजे प्रतिदिन आप सबके बीच में हाजिर होने के ओनली न्यू नेशन शो। आप प्रतिदिन देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। से पहले आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है आरक्षण पर। उसके अलावा आज हम आपसे बात करेंगे, अमित शाह गुजरात में जनता को संबोधित किया और खास तौर से ममता बनर्जी पे बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह ने लगभग दर्जनों हत्या का मामला साफ तौर पे ठेकड़ा फोड़ा है ममता बनर्जी पे और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी पे भी हम बात करेंगे। शुभेंदु अधिकारी का नाम आपने सुना होगा, हाल ही में यानी कि आज अमित शाह के साथ मंच पे बीजेपी में शामिल हुए हैं शुभेंदु अधिकारी। उसके अलावा कांग्रेस के जयराम रमेश पे भी बात करेंगे। अजीत डोभाल के बेटे पर से माफी मांगने पे मजबूर हो गए हैं जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। चलिए आरक्षण के मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम जाएं, उससे पहले हम अमित शाह की रैली पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अमित शाह ने आज जमके बरसा है टीएमसी पर। अमित शाह ने आरोप लगाया है बीजेपी में शामिल होकर शुभेंदु अधिकारी ने क्या आरोप लगाया वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम बात बताते हैं अमित शाह का। दरअसल ममता बनर्जी पर अमित शाह जमकर बरसे और उन्होंने आरोप हत्या का लगाया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से लोगों को लेती है। मैं ममता बनर्जी को उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूँ जब वो कांग्रेस में थी और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। तो क्या वो दल बदल नहीं था? क्या अमित शाह ने कहा कि आज सभी दलों से अच्छे लोग बीजेपी में आ गए हैं? आज एमपी 9 MLA, एक सांसद और 9 MLA समेत नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, गुजरात आते आते तो ममता दीदी आप अकेली रह जाएंगी। चुनाव आते आते यानी जब चुनाव आएगा ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी, ऐसा अमित शाह का कहना है। अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, CPM सभी पार्टी के अच्छे लोग आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए बीजेपी से जुड़े हैं। अमित शाह ने कहा कि दीदी कहती हैं कि बीजेपी दल बदल कराती है। दीदी मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि जब आपने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तो वो दल बदल नहीं था क्या? ये प्रश्न अमित शाह ने साफ तौर पर ममता बनर्जी से पूछा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी में जो लोग आज आ रहे हैं वो माँ माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे, लेकिन ममता दीदी की सरकार ने माँ माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 300 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में अपनी जान गंवाई है, हम झुकेंगे नहीं। जितना अधिक टीएमसी हम पर हमला करेगी उतनी ही आक्रामक तरीके से हम जीत की ओर बढ़ेंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा है कि बंगाल में तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कहते थे कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता और PM मोदी के नेतृत्व में 18 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। बता दें कि अमित शाह बीजेपी के चुनावी कैंपेन में धार देने के लिए 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मच गई है और ममता के बड़े सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी शनिवार को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का दामन थामते ही शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा है, वो आत्मसम्मान के लिए बीजेपी में आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की हालात बहुत खराब है, अगर यहाँ की हालात सुधारनी है तो यहाँ की बागडोर PM नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपनी होगी।
यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग प्रभावित हैं, खासतौर से इतने बड़े नेता जिन्होंने अपनी पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। अब हम आपको बताएंगे कि बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा और क्यों कहा कि लोकतंत्र नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने के वाले शुभेंदु अधिकारी ने आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थामा। शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ कई टीएमसी विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं रह गया है, कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह के बाहर का बताया जा रहा है, लेकिन यह जान लीजिए कि हम पहले भारतीय हैं उसके बाद बंगाली हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल को टीएमसी और भ्रष्टाचार से बचाना है। मैं टीएमसी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो जो नहीं चाहते वही होगा। बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनानी होगी। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कहा, कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं होता है। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पूरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक बड़े घटनाक्रम में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मानहानि के एक केस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगी है। पहले ये खबर हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अदालत में विवेक डोभाल को लिखित में माफीनामा दिया। जयराम रमेश ने अपने माफीनामा में लिखा कि विवेक डोभाल और उनके पिता को लेकर जो कुछ भी उन्होंने कहा वो क्षणिक उत्तेजना में कहा था, उस वक्त चुनाव का भी वक्त था, लिहाजा विवेक डोभाल और उनके परिवार और उनके बिजनेस को लेकर कही गई बातों पर उनसे माफी मांगते हैं। क्या कांग्रेस माफी ही मांगती रहेगी? राहुल गांधी स्वयं नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर के मामले में माफी मांग चुके हैं। कई बार माफी मांगना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि माफी मांगे राहुल गांधी। अब उनके सिपा सलार बड़े नेता कांग्रेस के जयराम रमेश वो भी माफी मांग रहे हैं। यानी कि ऐसे बयान देते हैं, किसी पे भी कोई भी गंभीर आरोप लगाते हैं बिना किसी सबूत के। जयराम रमेश ने अपने माफीनामे में कहा कि मैं विवेक डोभाल के खिलाफ बयान दिया और चुनावी गर्मी के माहौल में आकर गुस्से में कई आरोप लगा दिए, मुझे इसका सत्यापन करना चाहिए था। विवेक डोभाल ने जयराम रमेश का माफीनामा मंजूर कर लिया और इस केस को बंद करने के लिए तैयार हो गए। मामला क्या था, पूरा मामला आपको बताते हैं। एनएसए अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने फरवरी 2019 में जयराम रमेश के खिलाफ एक मानहान का मुकदमा दर्ज कराया था। ये मानहान का मुकदमा एक आर्टिकल को लेकर था जो कि जनवरी 2019 में छपा था। विवेक डोभाल ने आरोप लगाया था कि पत्रिका में उनके खिलाफ गलत आरोप लगाया गया और इस तथ्यों को जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया था। 17 जनवरी 2019 को जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवेक डोभाल और उनके परिवार और साथ ही उनके कंपनियों पर आरोप लगाते हुए उनकी तुलना डी कंपनी के साथ कर दी थी। जयराम रमेश ने अपने माफीनामे में कहा कि एक पत्रिका में विवेक डोभाल और उनके परिवार को लेकर एक आर्टिकल छपा था जिसके आधार पर ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक और उनकी कंपनी पर आरोप लगाए थे। बढ़ते हैं अंतिम खबर की ओर जो कि आज के दिन का ब्रेकिंग न्यूज है, यानी कि आरक्षण पे समय समय पे देश में विवाद होता रहता है। हर जातियां अपनी दावेदारी सुप्रीम कोर्ट में ठोकती रहती हैं, साथ ही साथ सरकार से मांग होते रहते हैं। कुछ जातियां आरक्षण बढ़ाने की मांग करती हैं, कुछ जातियां आरक्षण समाप्त करने की बात करती हैं, लेकिन योग्यता के मुद्दे पर सरकारें भी पीछे हट जाती हैं। तो आपको बता दें कि न्यायमूर्ति उदय ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आरक्षण के फायदे को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पद भरने के लिए आवेदकों की जात की बजाय उनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए और मेधावी उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। साथ ही किसी भी प्रतियोगिता में आवेदकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य है सबसे पहले उसे मौका देना चाहिए, उसके बाद जाति का आधार होना चाहिए। आरक्षण ऊर्ध्वाधर 36 दोनों ही तरीके से पब्लिक सर्विसेज में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है,
आरक्षण को सामान्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवार के लिए मौके खत्म करने वाले नियम की तरह नहीं देखना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट की अलग पीठ ने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने फैसले में टिप्पणी के तौर पर लिखी। अब इसका मतलब समझिए, हम आपको पहले इसका मतलब समझाते हैं। जात के आधार पर अगर आरक्षण होता है तो जैसे ओबीसी का आरक्षण है 28%, एससीएसटी का एक आरक्षण कोटा होता है और स्वतंत्रता सेनानियों का भी एक आरक्षण कोटा होता है, सामान्य वर्ग 50% में होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो ज़्यादा नंबर पाते हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, उनको सामान्य सीट में ले जाया जाता है और वो सामान्य सीट में संघर्ष करते हैं, जिसकी वजह से सामान्य सीट का एक सीट जाता है, उससे योग्य व्यक्ति सामान्य सीट में ही वो सीट नहीं पा पाता है। इसी पे कोर्ट ने कहा कि जो सीट खाली होकर जाती है उसको उस वर्ग के लोग भरें, इससे अच्छा है कि पहले जो आरक्षित वर्ग है, अगर 28% ओबीसी आरक्षण है, पहले उसको भर लीजिए, उसके बाद जो कम नंबर पाया है वो अगर योग्य है सामान्य में जाने के तभी उसको जाने दीजिए। ऐसा ना हो कि जो सबसे अधिक ओबीसी पाया है वो सामान्य में पहले कूदा दिया जाए और वो अपने ही जात का एक सीट खाली कर जाए ताकि उस जात का कोई व्यक्ति आए। जस्टिस भट्ट ने लिखा कि ऐसा करने से नतीजा जातिगत आरक्षण के रूप में सामने आएगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी आरक्षण के अपने दायरे में सीमित हो जाएगी और योग्यता नकार दी जाएगी। सभी के लिए ओपन कैटेगरी होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही शर्त हो, आवेदक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिले, चाहे उसके पास किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ उपलब्ध हो। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसलों में कई फैसले ऐसे आए हैं जिसमें माना है कि आरक्षित वर्ग से संबंधित कोई उम्मीदवार अगर योग्य है तो सामान्य वर्ग में भी आवेदन कर सकता है, चाहे वह अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। ऐसे में वह आरक्षित सीट को, यानी कि जो उसका सीट है, उसको अपनी ही जात के दूसरे उम्मीदवार के लिए छोड़ सकता है और सामान्य सीट में वो जाके अपनी सीट हासिल कर सकता है। हालांकि विशेष वर्गों जैसे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार, पूर्व सैनिक या SC/ST OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें खाली रहती हैं, उन पर सामान्य वर्ग के आवेदकों को मौका नहीं दिया जाता है। शासन के इस सिद्धांत और व्याख्या को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। शासन ने साफ तौर पे कहा कि जिसका जो कोटा है पहले उस कोटे को भरा जाए, उसके बाद जो बचते हैं उनको मौका दिया जाए, यानी कि जो अगर ज़्यादा नंबर पाया है पहले उस जिस कोटे में आता है उस कोटे में उसको भरा जाए, मेरिट बेस पे लिया जाए, उसके बाद ही दूसरे व्यक्ति को दूसरे कोटे में कूदाया जाए। ये सरकार का न्याय आया है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि योग्यता को पहले मौका दिया जाए, योग्य लोगों को भरने के बाद सीटें भरती हैं, खाली बचती हैं, तब उनसे कम योग्य लोगों को मौका दिया जाए। जुड़े रहिए आप ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। ओनली न्यूज़ नेशन शो देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में हम खास समाचार रखते हैं आपके लिए, जैसा कि अभी हमने आरक्षण के बारे में बताया। वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।